कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार क्या इंतजाम कर रही है, इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, 1.5 लाख से ज़्यादा बेड पूरे उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। पहले बहुत सारे बेड्स पे ऑक्सीजन नहीं थी, पर इस समय 578 ऑक्सीजन प्लांट नए लगे हैं। आपके गाजियाबाद में 11 लगे हैं, आपके बराबर में जो एमएमजी हॉस्पिटल है उसमें 2 लगे हैं। तो अब की बार ऑक्सीजन की भी, भगवान ना करे कोई जरूरत पड़े तो ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं आएगी। और 78,000 वैक्सीनेशन एक ही दिन में करके ये साबित किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने कि हमारे में इतनी ताकत है कि हम 78,000 वैक्सीनेशन एक साथ कर सकते हैं। तो ईश्वर ना करे कि कोई जरूरत पड़े, लेकिन अगर पड़ेगी तो सरकार तैयार है। जी, पब्लिक जो है जागरूक नहीं है और बिना मास्क के घूम रही है, भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, इसको लेकर प्रशासन से क्या कार्रवाई करेंगे? ये जिम्मेदारी लोगों को अवेयर करने की जितनी हमारी है उतनी मीडिया की भी है। तो इसमें आप और हम दोनों जिम्मेदार हैं कि लोगों को कैसे देखो, मैं बताऊं कि ये इस समय जो फैसला है ये दिल्ली सरकार का लिया हुआ फैसला है, ठीक है, और मेट्रो दिल्ली सरकार के अंडर में आती है यहाँ पर भी, तो इसके अंदर उन्होंने भी जो फैसला लिया है वो जनहित के अंदर ही लिया है। अब जो है वैक्सीन लगेगी, कब तक कार्रवाई शुरू होगी और कब तक लगने की उम्मीद है? 3 तारीख से उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी और ये चाहते हैं कि 15-20 दिन में सब काम निपट जाए। स्प्रे वैक्सीन के बारे में और बता दीजिए जनता को, स्प्रे वैक्सीन है क्या? ये तरह तरह के जो एक्सपेरिमेंट और नई नई चीज़ें आ रही हैं उसी का ही एक भाग है, लेकिन उसको ये भी देखना है कि अभी उसको अप्रूवल है या नहीं है, पहले उसको देख। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।